अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। देश के चहेते लाडले ओजस्वी हस्ताक्षर भाई श्री स्वदेश यादव जी का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रू मीडिया के प्रतिष्ठित कार्यक्रम कवियों की टंकार में। और धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय दादा ओम प्रकाश प्रजापति जी को तथा दादा जयप्रकाश मिश्रा जी को, जो कि आज मुझे यहां पर आमंत्रित किया, इस कार्यक्रम का हिस्सा मुझे बनाया। और दोस्तों, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं है, मैं चाहता हूँ सीधे सीधे अपनी कविताओं से, अपने तेवरों से आप लोगों को रूबरू कराऊं। लेकिन उससे पहले, हालांकि मेरा जो तेवर होता है वो वीरस का होता है, मुझे आदेश हुआ था कि कुछ समसामयिक रचना आपको लिखनी है, तो कुछ एक मुक्तक बिल्कुल नए ताजे हैं, वो देख लीजिएगा। थोड़ा सा आपको गुदगुदाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। चार पंक्तियां देखिएगा। जो राहुल जी ने वादे किए, उस पर मुझे याद आता है कि कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो आज देश की जनता की भी यही हालत है। उसके बाद राहुल गांधी जी के वादों पर जो जनता की प्रतिक्रिया आई, उस प्रतिक्रिया को आपके सामने रखता हूं, संभालिएगा। कि दहले नहीं है पास में तो नहले ही लेंगे, कि दहले नहीं है पास में तो नहले ही लेंगे, उजले नहीं जो दे सको तो मैले ही लेंगे, कि उजले नहीं जो दे सको तो मैले ही लेंगे। और एक बार धोखा खा चुके हैं, कि एक बार धोखा खा चुके हैं 15 लाख का, कि एक बार धोखा खा चुके हैं 15 लाख का, इस बार 72,000 पहले ही लेंगे, इस बार 72,000 पहले ही लेंगे। और चार पंक्तियां और देखिएगा। चुनावों से ही कहीं उठाने की कोशिश की कि हर हाथ दूसरे से खुद को मिला रहा है, कि हर हाथ दूसरे से खुद को मिला रहा है, जिसको भी देखो अपनी घुट्टी पिला रहा है, जिसको भी देखो अपनी घुट्टी पिला रहा है। और इस बार हमने देखा ऐसा गजब अजूबा, कि इस बार हमने देखा ऐसा गजब अजूबा, हाथी पकड़ के हैंडल साइकिल चला रहा है, हाथी पकड़ के हैंडल साइकिल चला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। और अब मैं आप लोगों को स्वदेश यादव से रूबरू कराने की कोशिश करता हूं। क्या है स्वदेश यादव, क्या लिखता है बताना चाहता हूं। चार पंक्तियां देखिएगा। आज किस चीज की आवश्यकता है भारतवर्ष को, किस चीज की आवश्यकता है देश को, कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए, कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। और निज रक्त से तिलक मात भारती का किया विश्व मिल जैसे बलिदानी हमें चाहिए, कि निज रक्त से तिलक मात भारती का किया विश्व मिल जैसे बलिदानी हमें चाहिए। और सलमान खान जैसे हीरो नहीं चाहिए जी, कि सलमान खान जैसे हीरो नहीं चाहिए जी, और ना ही शीला की जवानी हमें चाहिए, शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए वाह बेटियों में झांसी वाली रानी हमें चाहिए, शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए वाह बेटियों में झांसी वाली रानी हमें चाहिए। और चार पंक्तियां और देखिएगा। अभी राजनीति की बात हुई, तब बताना चाहता हूं कि अगर आज देश की राजनीति में एक व्यक्ति सक्रिय भूमिका में अगर होता तो कहीं हमारे देश के हालात बदले हुए हो सकते थे। आप लोगों को पता होगा अभी पिछले दिनों हमारे देश के 16 जवान महाराष्ट्र में शहीद हो गए, तब कहीं कहने के लिए मजबूर होना पड़ा, लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि भारत में कहीं नहीं होते बम विस्फोट, कि भारत में कहीं नहीं होते बम विस्फोट, आतताइयों के सपनों को तोड़ देते वो, कि भारत में कहीं नहीं होते बम विस्फोट, आतताइयों के सपनों को तोड़ देते वो। और कश्मीर कश्मीर पाक भी ना करता जी, करता यदि तो नींबू सा निचोड़ देते वो, कि कश्मीर कश्मीर पाक भी ना करता जी, करता यदि तो नींबू सा निचोड़ देते वो। और साहस न चीन आगे बढ़ने का कर पाता, कि साहस न चीन आगे बढ़ने का कर पाता, करता अगर घुटनों को फोड़ देते
वो, और अगर पटेल मेरे देश के प्रधान होते, कि अगर पटेल मेरे देश के प्रधान होते, चीन पाक दोनों भारत में जोड़ देते वो, अगर पटेल मेरे देश के प्रधान होते, चीन पाक दोनों भारत में जोड़ देते वो। और अगर आप लोगों की अनुमति हो तो एक रचना जो कि मैंने शहीदों पर लिखी, 2 मिनट की रचना है, वो आपके बीच में रखना चाहता हूं, उसके बाद अपना स्थान लूंगा। सीधे सीधे जोड़ने की कोशिश करता हूं कि अभी नहीं उसकी मेहंदी ही हाथों से हट पाई थी। जब एक सैनिक शहीद हो जाता है उसके बाद उसके परिवार की क्या स्थितियां होती हैं, उसकी माता, उसकी बहन, उस पर मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की है कि अभी नहीं उसकी मेहंदी ही हाथों से हट पाई थी और शादी की चकाचौंध भी अभी नहीं घट पाई थी, लेकिन एक खत ने आकर घर में कोहराम मचाया था, लेकिन एक खत ने आकर घर में कोहराम मचाया था। नहीं रही वो आज सुहागन, उसने यह बतलाया था, नहीं रही वह आज सुहागन, उसको यह बतलाया था। इतना सुनना था कि उसका लगा कलेजा फटने को, लगी सोचने आज चिता में प्रीतम के संग मिटने को। मेहंदी वाले हाथों से उसने सिंदूर मिटाया था, कि मेहंदी वाले हाथों से उसने सिंदूर मिटाया था और सुहाग की बिंदिया को भी उसने नोच हटाया था। लेकिन लेकिन तब तक एक बड़बोले नेता ने मुंह खोला था और उसने बलिदानों को भी कुछ पैसों में तोला था, कि और उसने बलिदानों को भी कुछ पैसों में तोला था। लेकिन उस विधवा का जवाब कहीं आप लोगों तक पहुंचे तो बताइएगा कि और बलिदानों को भी उसने कुछ पैसों में तोला था। भारत माता के माथे पर उसने कालिख पोती थी और दुनिया को उसने अपनी सोच दिखाई छोटी थी, और दुनिया को उसने अपनी सोच दिखाई छोटी थी। लेकिन एक विधवा ने नेताजी को सबक सिखाया था और मुआवजे को भी उसने लात मार ठुकराया था, और मुआवजे को भी उसने लात मार ठुकराया था। और आगे उसकी बहन का, जब बहन ने देखा कि भैया का ये जो पार्थिव शरीर रखा हुआ है आंगन में, तो उसे एकाएक ये विश्वास नहीं हुआ कि भैया शहीद हो गए। तब उसने जो प्रश्न किया वो प्रश्न आपके बीच में रखता हूं कि छोटी बहना ने भी कोशिश की थी उसे जगाने की। जब छोटी बहन घर से बड़ा भाई कहीं जा रहा होता है तो उसकी मांगे होती हैं कि भैया जब घर वापस आओ तो मेरे लिए कई सारे खिलौने लेकर आना, मेरे लिए एक प्यारी सी गुड़िया लेकर आना। तब कहीं वो मासूम शिकायत आप लोगों के दिल को चीर जाए तो मुझे बताइएगा कि छोटी बहना ने भी कोशिश की थी उसे जगाने की और सौगंधे राखी की दे देकर उसे मनाने की। पूछ रही थी बार बार कि क्या अपने वादे भूल गए, खुद घर आना याद रहा और गुड़िया लाना भूल गए, खुद घर आना याद रहा और गुड़िया लाना भूल गए। बार बार नजरें दरवाजे पर जाकर टिक जाती थी, बेटे के आने की चाहत में पलकें बिछ जाती थी। सोच रही थी हंसता हुआ लाल जब मेरा आएगा, आकर पैर छुएगा और सीने से मुझे लगाएगा। लेकिन लेकिन रणभूमि से देखो कैसा समाचार आया, कि लेकिन रणभूमि से देखो कैसा समाचार आया। लिपटा हुआ तिरंगे में वो मां का लाल चला आया, लिपटा हुआ तिरंगे में वो मां का लाल चला आया। मगर किसी ने रोने का कारण जब उस मां से पूछा, अंतिम पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं और इस बात का दावा करता हूं कि कहीं आप लोग मन से सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, कि मगर किसी ने रोने का कारण जब उस मां से पूछा, एक पत्रकार ने सवाल किया उस मां से कि मां तेरा बेटा तो शहीद हुआ है, भारत माता का गौरव बढ़ाया है उसने, तू रो क्यों रही है, तू रोती हुई अच्छी नहीं लगती, तू शेर की मां है, तेरी आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। इस पर जो उस मां ने उत्तर दिया, अंतिम पंक्तियों में वो उत्तर आप लोगों तक पहुंचाता हूं, कि मगर किसी ने रोने का कारण जब उस मां से पूछा, क्यों रोती है लाल ने तेरे भाल किया मां का ऊंचा, क्यों रोती है लाल ने तेरे भाल किया मां का ऊंचा। इतना सुनकर तड़प उठी और गर्वित होकर बोली वो, दंग रह गए लोग सभी जब दिल की परतें खोली तो, बोली नहीं रो रही हूं कि कि लाल मेरा बलिदान हुआ, बोली नहीं रो रही हूं कि लाल मेरा बलिदान हुआ, बल्कि खुश हूं बेटा मेरा देश धर्म प्रदान हुआ, बल्कि खुश हूं बेटा मेरा देश धर्म प्रदान हुआ। पीड़ा है कि नहीं बचा, कि पीड़ा है कि नहीं बचा सामर्थ्य वंश पनपाने को, नहीं दूसरा लाल कोई भी मां पर भेंट चढ़ाने को, नहीं दूसरा लाल कोई भी मां पर भेंट चढ़ाने को। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें।